बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आइए, रिपोर्ट तो इंटरेस्टिंग है ही, एक्सपर्ट्स भी हमारे इंटरेस्टिंग पिक्स लेके आए, पहले उनका भी तो किया जाए स्वागत बिहुल के साथ। इडानी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं लाया हूं एमजीएल, महानगर गैस एमजीएल पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1570 का, और पोजिशनल टारगेट 1622 का रख सकते हैं महानगर गैस में एमजीएल में। दिसंबर 2022 से हम लगातार बार बार रिकमेंड कर रहे हैं विद अ डिस्क्लेमर, ये डोमेस्टिक पीएनजी सीएनजी पे कमर्शियल पीएनजी में है। मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अग्रेसिव और सबसे ज्यादा काम होता है, नतीजे अच्छे रहे, कामकाजी मुनाफा 75% से बढ़ते हुए दिखा और मुनाफा 84% से, तो नतीजे अच्छे, वॉल्यूम्स भी अच्छा रहा। आने वाले समय में भी 6-7% का वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं, 700 करोड़ का इस साल, 700 करोड़ का आने वाले साल में केपेक्स। तो एमजीएल शॉर्ट आज का टारगेट 1570, पोजिशनल टारगेट आप 1622 का रख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए एमजीएल में खरीदारी करने की राय हुई। ढेरों स्टॉक्स पे आज आपको एक्शन मिलने वाला है। सिद्धार्थ जी है हमारे साथ, तो सिद्धार्थ जी, सोना बीएलडब्ल्यू, इस पर आपसे राय लेनी है। पीएलआई स्कीम में इन्हें एक पहली ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसे पीएलआई स्कीम में मंजूरी मिली है, एक ऑटो पार्ट बनाने के लिए इन्हें मंजूरी मिल चुकी है। जरा सोना बीएलडब्ल्यू पर राय दे, 5% ऊपर वैसे भी खुलने के संकेत दे रहा है और आपके तो रेडार पर भी है सर। बिल्कुल, और ये काफी पॉजिटिव खबर है सोना बीएलडब्ल्यू के लिए, अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि ईवी स्पेस में सोना बीएलडब्ल्यू काफी अच्छा एक बेनिफिशियरी है और बहुत बड़ा योगदान भी करती है। तो ये पूरे ही ऑटो एंसिलरी पैक में वन ऑफ द टॉप पिक्स में आता है सोना बीएलडब्ल्यू, ले रखा है तो बिल्कुल बने रहे, ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई परेशानी नहीं है सोना बीएलडब्ल्यू के लिए। ग्रासिम इसके चार्ट पर भी राय लेंगे, उससे पहले एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेने। सिद्धार्थ जी, एक तो जो पेंट स्पेस में अभी डिसरप्शन है ग्रासिम का, कल बिरला साहब ने कहा 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अगले 3 साल में इनका पेंट बिजनेस से आना चाहिए और 6 प्लांट्स इन टोटल बिरला के खुलेंगे ग्रासिम के अंडर, इस पर अपनी राय दें। आज ब्रोकरेजेस की भी थोड़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई है ग्रासिम पर। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव है ग्रासिम के लिए, आने वाले 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकती है, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ग्रासिम डेफिनेटली पॉजिटिव है। और ये मैं मानता हूं कि कंपटीशन जरूर करेगा सभी प्लेयर्स के लिए इंक्लूडिंग एशियन पेंट्स। अब ये देखना रहेगा कि किस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नए री इन्वेंट हो रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मुश्किलों का दौर रह सकता है आपके सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेयर के लिए, बर्जर हो गया, कंसाइन एरोलेक हो गया, तो एशियन पेंट को भी तकलीफें होगी, बट मैं मानता हूं कि जो कांटे की टक्कर रहेगी वो एशियन पेंट और ग्रासिम के बीच में रहेगी। अब सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेयर को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो अपने आप को री इनोवेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम्स है इनकमेंट्स के लिए, बट ग्रासिम के लिए काफी पॉजिटिव खबर। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल सुपर सीड। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये आईटी की कंपनी है और नाम में ही सॉफ्ट है, काम बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है, टारगेट शॉर्ट टर्म आप रखें 850 का, 850 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 910 का, विद अ डिस्क्लेमर मार्च 2021 से हम रिकमेंड करें, काफी समय हो गया, हम अलग अलग लेवल से हमारे टारगेट अचीव होते जा रहे हैं और हम रिकमेंड करते रह रहे हैं फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को। मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इनके लिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टीसीवी 921 मिलियन डॉलर्स के करीब देखा गया, जहां पे 15% का ग्रोथ देखा गया। आउटलुक कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग दे रही है बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए, और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि Q4 स्ट्रॉन्ग रह सकता है जैसा Q3 था, मार्जिन स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं आने वाले समय में 16% के करीब, आई 12% और मुनाफा 16% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। बिरला सॉफ्ट टारगेट शॉर्ट टर्म 850, पोजिशनल 910। यह है आपके लिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की राय। बार बार सिद्धार्थ जी ने टारगेट दिया और लगातार हासिल होते हुए भी दिखे। आइए जरा सिद्धार्थ जी, आप ट्रैक करते हैं या पास? नहीं जी, ट्रैक नहीं करते, ना कोई टारगेट है, बट हाँ मैं एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करूंगा कि आपने जो सही कहा कि प्रदर्शन इन वॉकहार्ट का सबसे वीक रहा है, बायोकॉन और वॉकहार्ट का, बट वॉकहार्ट का सर इन टर्म्स ऑफ प्लांट के इंस्पेक्शंस, प्लांट में बंद, यूएस एफडीए, ये अटकलें बहुत ज्यादा रही है,
QIB डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी देती है, पर अभी भी भरोसा नहीं जगेगा, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, बट वेट एंड वॉच की चला देगी। चलिए ये है राय सिद्धार्थ जी के लिए, एक और बिगुल सुपर सेट का। बताएं सर। दीपांशु, ये अनिल जी की वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और मुझे भी पसंद है काफी साल से, विद डिस्क्लेमर 2-3 साल से मैं रेकमेंड कर रहा हूं। और ये बैंकिंग स्पेस की कंपनी है, J&K बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 154 का, पोजिशनल टारगेट आप 160 का भी रख सकते हैं। तीसरे तिमाही के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो काफी अच्छे रहे, लोन बुक करीबन 89,000 करोड़ के करीब, एडवांसेस जो एक वन ऑफ द वेरी गुड पैरामीटर्स होते हैं 15.6% दिखे गए YOY ग्रोथ, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 9% से बढ़ते हुए दिखा। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है मिड टीन क्रेडिट ग्रोथ हो सकती है, रिटर्न ऑन एसेट्स जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स है वो 1% के करीब रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। J&K बैंक का जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 154 का है, पोजिशनल टारगेट 160 का है, और ये भी मैं कह दूं कि अनिल जी का जो इंटरव्यू था J&K बैंक का, वो भी मुझे काफी बार, मैंने 2-3 बार सुना है, काफी अच्छा रहता है। और इसमें कश्मीर में भी एक कुछ जी बिजनेस का कुछ शो करने की बातचीत चल रही थी, वो अनिल जी का क्वेश्चन है कि अनिल जी वो कब होने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा एक दो सवाल आ गए इसमें, एक तो ये कि आपने कई बार सुना, पहली बार में याद नहीं हुआ, दूसरी बार में भी याद नहीं हुआ, बार बार सुनने का रीजन क्या मतलब? नहीं नहीं अनिल जी, वो तो आप अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो बहुत सारे इनसाइट्स मिल जाते हैं आपको भी। वो ऐसा टीचर रट्टा लगवाती थी क्लास में, मतलब KG नर्सरी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, ऐसा 10 बार बोलो 20 बार ऐसा होता था आपके साथ में? अनिल जी मैं रट्टा वाला स्टूडेंट हुई नहीं, क्योंकि मैं जो किताब में जो आंसर है वो लिखता ही नहीं था, मैं अपने मन से बना के अच्छे से स्टोरी लिखता था। हाँ ये तो बात सही है, अभी भी जिस तरह से आप मन से बना बना के स्टोरी देते हो ना, और गजब की स्टोरी देते हो, खुद के जर्मनी का पता नहीं है, इनको कश्मीर जाना है, गजब स्टोरी तो गजब की देते हो। सिद्धार्थ जी आपकी राय सर? डेफिनेटली अनिल जी, आपने जो बोला उसके ऊपर एडअप करते हुए जो पॉजिटिव जरूर है, ये नोवेलिस के लिए और हिंडालको के लिए, अगर सैंक्शंस लगते हैं रुसाल पे जो रशिया पे लगते हैं US द्वारा, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन जो हम देख रहे हैं नोवेलिस का, जो ओवरऑल जो IPO आने की बात है वो $15 बिलियन के आने की बात है, जिसमें हिंडालको भी रेज कर सकती है $1 बिलियन, तो ये पॉजिटिव है। डोमेस्टिक डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू फोकस ऑन इंफ्रा एंड हाउसिंग, तो हिंडालको डेफिनेटली फोकस रह सकता है ये खबर के तहत। ओके तो ये है आपके लिए हिंडालको पर खबर आती हुई। इसके तो चलो अच्छा कुणाल जी तक ही रुके जी। सिद्धार्थ जी नहीं नहीं अनिल जी, जय ने गलत बोला है, लिफाफा आ जाए हम खुद ही टाइटन चले जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे अनिल जी। हाँ जो भी पहले आ जाए। आइए करते हैं शुरुआत सिरानी साहब के साथ 10 की कमाई की। सिद्धार्थ जी तैयार है आपका शेयर? बिल्कुल रेडी स्टडी गो। और आप तैयार हैं? एकदम शेयर के साथ। जी सर बताएं। अनिल जी खरीदारी की राय है 10 की कमाई में FSL पे, फर्स्ट सोर्स पे, जिसका आप लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 250 का, जून 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया बट हम अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, विद अ डिस्क्लेमर। FSL जो एक कंपनी, जो 150 क्लाइंट, 17 फॉर्चून 500 कंपनी इनके क्लाइंटाइल है, BFSI हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, ये इनके मेन सेगमेंट है जहाँ पे फर्स्ट सोर्स काम करती है। Q3 के मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग देखे गए, 133 basis points, मतलब 1.3% के करीब बढ़ते हुए दिखे, नेट ग्रोथ 10%, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन स्पेस से काफी अच्छा फायदा हो सकता है। मैनेजमेंट गाइड कर रहे हैं FY24 का EBIT मार्जिन करीबन 11 से 11.5%, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 17% मुनाफों में CAGR ग्रोथ हो सकता है FSL पे। यूरोप रीजन में स्टेडी ग्रोथ पाया जा रहा है, और आने वाले फिस्कल में भी यूरोप से अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है FSL, जिसपे लॉन्ग टर्म नजरिए से आप खरीदारी कर सकते हैं 250 के टारगेट के लिए। ओके तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 250 के टारगेट के लिए इस पर करें खरीदारी। ये स्पेस एक्टिव है। आज सिद्धार्थ जी का मिड कैप आईटी पर ज्यादा भरोसा है, शो की शुरुआत ओपनिंग के बाद बिरला सॉफ्ट के साथ की थी सिद्धार्थ जी ने, और उसके बाद अब आपके लिए फर्स्ट सोर्स पर भी राय आ रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स और हैं जहां पर आपको मोमेंटम है एक साथ। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज।